एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स में आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि 9 पीएफ धारिता के 3 संधारित्र हैं। कितने पीएफ धारिता के? 9 पीएफ धारिता के 3 संधारित्र हैं। तो अब देखो 3 हैं, इसका मतलब पहला हो गया C1, दूसरा हो गया C2, तीसरा हो गया C3 और सबकी धारिता है 9 पीएफ। इसकी भी कितनी है? 9 पीएफ। इसकी भी है 9 पीएफ, सही है। अब फैरड हमको जानते हैं, पिको फैरड अलग है, फैरड अलग है। एक पीएफ कितना होता है? 10^-12। तो ये आपका हो जाएगा 9 × 12 फैरड। ये भी हो जाएगा 9 × 10^-12 फैरड। ये भी हो जाएगा 9 × 10^-12। ठीक है, चलो हो जाने दे उसको, फिर आगे देख लेते हैं। ठीक है भाई, अब देखो इसको क्या काम करना है, हमें श्रेणी क्रम में धारिता ज्ञात करनी है और समांतर क्रम में धारिता करनी है। तो पहला नंबर एक कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में धारिता, श्रेणी क्रम में धारिता। और धारिता का फार्मूला श्रेणी क्रम का हमको पता है, 1/C बराबर 1/C1, 1/C2, 1/C3। C1 की वैल्यू भी 9 है, C2 की भी 9 है और C3 की भी 9 है। अब लासा इसका लेंगे तो लासा आ जाएगा 9 आ जाएगा, 1, 2, 3, ये 3 हो गया 1/C, 3 × 9, तो C बराबर आ गया 3 PF, या इसको लिख सकते हो 3 × 10^-12 फैरड। बात समझ आई नहीं आई? यहाँ तो बताओ कोई दिक्कत होगा नहीं है ना। अब कह रहे हैं कि इसको 100 वोल्ट संभरण यानी सप्लाई से जोड़ दिया जाए। बी पार्ट, सेकंड पार्ट, इसको क्या काम कर रहा है सेकंड वाला पार्ट में? इसको 100 वोल्ट संभरण, संभरण जो होता है धीरज, संभरण 100 × 120 है, 120 था, चलो गुड। तो संभरण को ही क्या कहते हैं बेटा? सप्लाई कहते हैं, सप्लाई को ही विभांतर कहते हैं। और ये हो गया बी 120, कितना दे रखा है 120। तो कह रहे हैं इन पर अलग अलग विभांतर क्या होगा? तो विभांतर ज्ञात करने से पहले हमको जो है आवेश पता होना चाहिए। तो पहले हम क्या निकाल लेंगे? आवेश। आवेश फार्मूला होता है क्यू बराबर CV। ये फार्मूला कहाँ से आया? क्योंकि हमारे पास फार्मूला है C बराबर Q/V। तो यहाँ से अगर हम Q निकालेंगे तो C भी हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब ध्यान देते रहना ना, C अभी आपने निकाला, C है 3 × 10^-12 F। तो ये हो गया कितना? 3 × 10^-12 और V तुमको दे रखा है 120। तो ये हो गया 120। अब ज़रा ध्यान देना, हाँ देखो 12 × 36, 360 × 10^-12 आवेश का मात्रा कूलाम हो गया। ये हो गया आपका क्यू, ठीक है, क्यू निकल गया। अब हमको निकालना है अलग अलग विभांतर। तो जब हम विभांतर निकालेंगे तो विभांतर का फार्मूला यहाँ से निकालो। विभांतर का फार्मूला होता है B = Q/C, सही जाना है। अब निकाल लीजिए, तो ये हो गया B = Q/C। सी का मतलब पहले के लिए C1, दूसरे के लिए C2, तीसरे के लिए C3। अब समस्या यहाँ क्या है? C1, C2, C3 आपस में बराबर हैं, तो कोई सा एक मान आप लगा दो। और Q का मान ऊपर दे रखा है 360 × 10^-12 और C1, C2, C3 सबका मान सेम है। तो आप चाहे जैसे यहाँ पर 1 और 1 लगा दो, चाहे 2 और 2 लगा दो, चाहे 3 और 3 लगा दो, कोई अंतर आने वाला नहीं है। C1 का मान आपको दे रखा है 9 PF, यानी 9 × 10^-12। 9 × 10^-12 ये क्या हुआ? कैंसिल, 9 × 4 = 36, कितना बचा? 40। और विभव का मात्रक होता है वोल्ट। बात समझ आई नहीं आई? बंद कर दो। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अगला प्रश्न आपका 8 नंबर है। इसमें कह रहा है प्लेटों के बीच का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल एरिया होता है अपने पास से समझ लिए ए, ये दे रखा है 6 × 10^-3 m² ठीक है, m² दे रखा है। इसके बाद में बीच की दूरी जो है वो 3 mm है। प्लेटों के बीच दूरी कितनी है? 3 mm है और उसके बीच में 100 वोल्ट का विभांतर है। तो कह रहा है कि इसका आवेश क्या होगा? आवेश माने क्यू। और धारिता क्या होगी? धारिता माने सी। तो हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा? सी। उसके बाद हम क्या निकाल लेंगे? क्यू निकाल लेंगे, क्यू आवेश होता है। तो चेक करते हैं, अब जो दूरी आपकी दे रखी 3 mm, दूरी जो होता है उसका मात्रक मीटर होता है ना कि mm, तो इसको बदलना पड़ेगा भाई। तो ये हो जाएगा 3 × 10^-3 m, 10^-3 से गुणा कर दिया, अब mm बदल गया, अब क्या बन गया? मीटर बन गया। तो हमें क्या निकालें? धारिता। अब धारिता कैसे निकालें? देखो ध्यान, धारिता का फार्मूला हम समांतर प्लेट संधारित्र में जो व्यंजक आया था वहाँ पर हमने आपको प्रूफ कराया था, C = εε0a, पता पड़ा आपने? εε0a / d,
और इसमें आपको अगर ध्यान हो तो ऊपर के भी होता है, के भी होता है। जब के नहीं दे रखा है तो के का मान या तो एक लगाओ या उसको आप हटा दीजिए। एफ सेलम जीरो ए अपॉन डी, समझ आई बात नहीं है, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पर एक और समस्या है, एफ सेलम जीरो क्या है? एफ सेलम जीरो है निर्वात की वैद्युतशीलता, और एफ सेलम जीरो का मान हमको याद है कितना होता है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं। चूँकि एफ सेलम जीरो का मान होता है 8.854 गुणा 10 की घात माइनस का 12, ये एफ सेलम जीरो का मान होता है। बैठ जाओ, ठीक है, कोई बात नहीं, घूम देना करके बात है, जल्दी बैठो, पीछे बैठो जल्दी, डिस्टर्ब ना करो, ठीक है। एफ सेलम जीरो की वैल्यू हमको पता है, अब ये वैल्यू यहाँ लगा देंगे, भाई बोले नहीं, देखिए तो ये आपका C बराबर एफ सेलम जीरो का मान पता चल गया 8.854 गुणा 10 की घात माइनस 12 गुणा A, और A का मान हमको पता है 6 गुणा 10 की घात माइनस 3, कितना बेटा 6 गुणा 10 की घात माइनस का 3 अपॉन क्या है सिवम D, और D का मान हमको पता है 3 10 की घात माइनस 3, बहुत ध्यान देना 3 गुणा 10 की घात माइनस का 3, ये माइनस 3 से माइनस 3 पावर कैंसिल हो गई, नहीं कैंसिल हो गई, यहाँ तो समझ आ गया। अब आपके पास कितना बचा जरा बताना बेटा, 3 बचा, 3 दूनी कितना होता है 6 होता है। अब जरा ध्यान देना, इस 2 यहाँ पर बचा, तो यहाँ बचा 8.854 गुणा 10 की घात माइनस का 12, और गुणे कितना बचा 2, इस 2 का उमेश क्या करेंगे, इस संख्या में गुणा कर देंगे। अब गुणा को ध्यान से देखना जरा, इस गुणा को अगर हम करेंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 5 दूनी 10 का सिफर आंसर लगा 1, 8 दूनी 16, 1 17 का आंसर लगा 1, और 8 दूनी बोलो 17, और ये 17 पूरा रहेगा, ठीक है, 8 दूने 16, एक हासिल का कितना हो गया 17 हो गया, बात समझ आई। अब 1, 2, 3 अंक बाद पॉइंट यहाँ पर लगा दिया, और आगे घात है 10 की घात माइनस का 12, अब ये धारिता है, धारिता का मात्रक होता है फैराड, क्या होता है फैराड, बात समझ आई बा नहीं आई, क्या हुआ फैराड, ध्यान दो यहाँ भी ठीक है, अगर हम 12 हटा देंगे तो बन जाएगा पिको फैराड, क्या बन जाएगा, तो यहाँ छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली है, 17.7 है, उसके आगे 2 जीरो हैं, यानी 7 है, 0 है और 8 है, बैठ जाओ बेटा, बैठो आप जल्दी से। अब जरा ध्यान देना, इस संख्या को हम 18 भी लिख सकते हैं, कैसे, क्योंकि ये 18 के बहुत नज़दीक है, नहीं है 17.7 आगे संख्या बहुत सी है, तो इसको चाहें साकिब तो कितना लिख सकते हैं 18 गुणा 10 की घात माइनस का 12 फैराड, इतना भी इसको लिखा जा सकता है, बात समझ आई बात नहीं आई। अब हमें आवेश निकालना है, तो आवेश क्या होता है, आवेश होता है क्यू, क्या होता है आवेश क्यू, दिख रहा है, तो आवेश हमको जब क्यू निकालना है तो क्यू बराबर फार्मूला क्या होता है सी वी, क्यू बराबर फार्मूला बेटा क्या होता है सी वी। अब ध्यान दो, सी तुमने अभी निकाल लिया, कितना है सी का मान 18 गुणा 10 की घात माइनस का 12, और वी, वी आपको इन्होंने दे रखा है 100 वोल्ट, कितना दे रखा है 100 वोल्ट, तो यहाँ आपने कितना लगा दिया 100। अब आपको क्या करना है, यहाँ 12